दोस्तों आज के वीडियो में आपको जानकारी देंगे छपरा से गोरखपुर रेलवे लाइन के बारे में और इस बीच में जितना भी रेलवे स्टेशन है वो सब आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। छपरा जंक्शन से जो है चार अलग दिशाओं से जो रेलवे लाइन आ रहा है पहले वह जानिए। छपरा जंक्शन से जो है छपरा ग्रामीण होते हुए सोनपुर से रेलवे लाइन आ रहा है, वह लाइन जो है डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड है। छपरा कचहरी होकर कर छपरा जंक्शन से जो लाइन जा रहा है छपरा कचहरी होते हुए मशरक यह रेलवे लाइन सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफाइड है। छपरा से जो बलिया जा रहा है ये लाइन सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफाइड है लेकिन डबलिंग का काम चल रहा है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं सिवान की तरफ। छपरा स्टेशन से पहला स्टेशन जो है वह टेकडीवास है सिवान की तरफ, दूसरा स्टेशन है कोपास मेहता। इसी तरीके आगे बढ़ते हैं दाऊदपुर रेलवे स्टेशन है, एकमा रेलवे स्टेशन है, महेंद्रनाथ हाल्ट है, चैनवा रेलवे स्टेशन है। ये सब स्टेशन आपको मिलेगा। छपरा और सिवान के बीच में एक दुरौंधा जंक्शन है, दुरौंधा जंक्शन से जो है महाराजगंज होते हुए मशरक जा रहा है रेलवे लाइन। पचरुखी है, यह सब रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा। उसके बाद आएगा आपको सिवान जंक्शन, सिवान जंक्शन से जो है जो रेलवे लाइन निकल रहा है तो सिवान कचहरी होते हुए थावे होते कप्तानगंज चला जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं भटनी की तरफ, जीरादेई रेलवे स्टेशन है, कड़छुई हाल्ट है, मैरवा है, मैरवा रेलवे स्टेशन, ये सब स्टेशन आपको मिलेगा। बनकटा है, फाटपा रानी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नोनापार, भटनी जंक्शन। भटनी जंक्शन के पास जो है ये रेलवे लाइन जो मऊ से आ रहा है, इंदरा होते मऊ होकर के आ रहा है। ये जो है यहाँ पर लाल वाला जो देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन न्यू लाइन, यानी अभी जो है इसो करके लिच्छवी एक्सप्रेस जो जाती है तो बरौनी में माफी जाते हैं भटनी में जो है इसका इंजन रिवर्सल किया जाता है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है नया कंस्ट्रक्शन लाइन दिया गया है। यानी कि सिवान की तरफ की जो भी ट्रेन है महत्वपूर्ण अगर मऊ होके गई ये लाल वाला जो ये देख रहे हैं इधर से होते हुए निकल जाएगी। चलिए हम लोग देवरिया की तरफ चलते हैं। भटनी के आगे जो है नुनखार रेलवे स्टेशन है, अहलियापुर है, देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के बाद जो है बैतालपुर है, बैतालपुर के बाद जो है गौरी बाजार रेलवे स्टेशन। ये सब रेलवे स्टेशन छपरा सिवान गोरखपुर के रूट पे मिलेगा। चौरी चौरा रेलवे स्टेशन सरदार नगर, ये लाइन डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड है। कुसमी यहाँ पे जंगल भी है। कुसमी के बाद जो है गोरखपुर कैंट में जो ये नरकटियागंज वाला रेल लाइन है, नरकटियागंज सगौली मुजफ्फरपुर वाला ये रेलवे लाइन सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफाइड है और मुजफ्फरपुर की तरफ नरकटियागंज की तरफ जो है डबल लाइन का काम हो रहा है। ये गोरखपुर कैंट होते हुए गोरखपुर जंक्शन पहुँच गए। अब गोरखपुर जंक्शन से जो ये वाला लाइन है ये बलरामपुर आनंद नगर चला गया है। आनंद नगर से नौतनवा भी है और आनंद नगर बलरामपुर होकर गोंडा चला गया। ये लाइन जो है डोमिनगढ़ होते हुए बस्ती गोंडा बुढ़वल होते लखनऊ चला गया है, या मानिए मनकापुर होकर के अयोध्या चला गया है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा छपरा से सिवान होते गोरखपुर के बीच में कौन कौन सा जंक्शन है और कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर।